सब्सक्राइब करिए नॉलेज वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नॉलेज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज आपको नॉलेज वर्ल्ड उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों झांसी जिले के अनोखे इतिहास के बारे में। झांसी भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। यह शहर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झांसी एक प्रमुख रेलवे सड़क केंद्र है और झांसी जिले का प्रशासनिक केंद्र भी है। झांसी शहर पत्थर निर्मित किले के चारों तरफ फैला हुआ है। यह किला शहर के मध्य स्थित बगरा नामक पहाड़ी पर निर्मित है। उत्तर प्रदेश में 20.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला झांसी पर प्रारंभ में चंदेल राजाओं का नियंत्रण था। उस समय इसे बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। झांसी का महत्व 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा वीर सिंह देव के शासनकाल में बढ़ा। इस दौरान राजा वीर सिंह और उनके उत्तराधिकारियों ने झांसी में अनेक ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया। झांसी किले का निर्माण 1613 में ओरछा साम्राज्य के शासक और बुंदेल राजपूत के चीफ वीर सिंह देव ने किया था। बुंदेला का यह सबसे शक्तिशाली गढ़ हुआ करता था। 1728 में मोहम्मद खान बंगेश ने महाराजा छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया था, जिससे पेशवा बाजीराव ने महाराजा छत्रसाल को मुगल सम्राट की सेना को परास्त करने में सहायता की थी। उनका आभार व्यक्त करते हुए महाराजा छत्रसाल ने उन्हें राज का कुछ भाग भी दे दिया था, जिनमें झांसी भी शामिल है। इसके बाद 1742 में नारोशंकर को झांसी का सूबेदार बना दिया गया। अपने 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने केवल झांसी को विकसित ही नहीं किया बल्कि झांसी के आसपास दूसरी इमारतें भी बनवाई। 1757 में जब नारोशंकर को पेशावर ने वापस बुला लिया था, तब माधव गोविंद और फिर बाबूलाल कन्हाई को झांसी का सूबेदार बनाया गया। 1766 से 1769 तक विश्वराव लक्ष्मण ने झांसी का सूबेदार बने रहते हुए सेवा की थी। इसके बाद रघुनाथ राव द्वितीय की नियुक्ति में झांसी के सूबेदार के रूप में की गए। रघुनाथ एक कुशल प्रशासक था। उन्होंने राज्य का राजस्व बढ़ाने में काफी सहायता की और किले के अंदर महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। शिवराव के मित्रों के बाद उनके बड़े बेटे रामचंद्र राव को झांसी का सूबेदार बनाया गया, लेकिन वे एक अच्छे प्रशासक नहीं बन सके और उनके कार्यकाल का अंत उनके मित्रों के साथ 1835 में हुआ। इसके बाद उन्हें उत्तराधिकारी रघुनाथ राव द्वितीय की मृत्यु 1835 में हुई। इसके बाद ब्रिटिश शासकों ने गंगाघर राव को झांसी के लिए नए राजा के रूप में स्वीकार किया। रघुनाथ राव द्वितीय के आश्रम में प्रशासन ने झांसी की आर्थिक हालत काफी खराब कर दी थी। उनके जाने के बाद महाराजा गंगाघर राव ने झांसी को अच्छी तरह संभाला और वे एक अच्छे प्रशासक भी बने। कहा जाता है कि झांसी के स्थानीय लोग उनसे बहुत प्यार करते थे और वो उनके कार्यों से बहुत खुश थे। 1842 में राजा गंगाघर राव ने मणिकारिका तांबे से शादी की थी, जिसे शादी के बाद लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम बाद में दामोदर राव रखा गया, लेकिन जन्म के 4 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद महाराजा ने आनंद राव के नाम के एक बच्चे को गोद ले लिया, जो गंगाघर राव के भाई का ही बेटा था। इसके बाद में उसी का नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। महाराजा की मृत्यु के एक दिन पहले उसका नाम बदला गया था। नवंबर 1853 में महाराजा की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने चूका का सिद्धांत लगाकर दामोदर राव को सिंहासन सौंपने से मना कर दिया और न ही उन्हें राजा का कोई अधिकार देने के लिए कहा। मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश को महल और किले को छोड़कर जाने के लिए ब्रिटिशों को 60,000 रुपये भी दिए थे। 1857 में विद्रोह टूट गया और लक्ष्मीबाई ने ही किले के बागडोर अपने हाथ में ले ली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लक्ष्मीबाई झांसी की सेना का नेतृत्व कर रही थी। अप्रैल 1858 में जनरल हूज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना झांसी को पूरी तरह से घेर लिया और 4 अप्रैल 1858 को उन्होंने झांसी पर कब्जा भी कर लिया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत दिखाकर ब्रिटिश सेना का सामना किया और घोड़े की मदद से महल से निकलने में सफल रही। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी के किले और झांसी शहर को जियानी सिंघियों को सौंप दिया था, जो ग्वालियर के महाराजा थे, लेकिन 1868 में ब्रिटिशों ने ग्वालियर राज्य से झांसी वापस ले ली थी। यह किला पहाड़ियों पर बना हुआ है और इससे हमें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि कैसे उत्तरी भारतीय किले दक्षिण भारतीय किलों से अलग हैं। दक्षिण में बहुत से किलों का निर्माण समुद्र के आसपास किया गया है, जैसे कि केरला का बेकाल किला। ग्रेनाइट से बने किले की दीवार 16 से 20 फीट मोटी है और दक्षिण में यह शहर की दीवारों से भी मिलती है। किले का दक्षिणी मुख तकरीबन सीधा ही है।
झांसी का किला तकरीबन 15 एकड़ में फैला हुआ है और जानकारों के अनुसार यह 312 मीटर लंबा और 225 मीटर फैला हुआ है। सभी को मिलाकर किले में कुल 22 विशाल मजबूत दीवारें इसकी सुरक्षा और सहायता के लिए बनी हुई हैं, जिसकी दोनों तरफ खाई है। कहा जाता है कि इसके पूर्वी भाग का निर्माण ब्रिटिशों ने करवाया था, साथ ही उन्होंने वहाँ पंचमहल भी बनवाया था। हर साल जनवरी और फरवरी के महीने में यहाँ झांसी महोत्सव नाम का एक विशाल उत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव में बहुत से प्रदर्शनकारी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। झांसी का किला शहर के बीचों बीच में बना हुआ है। यह झांसी स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। किले का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट ग्वालियर में है, जो झांसी से 103 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अगर आप लोग कभी झांसी घूमने गए हैं तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और खुदा हाफिज दोस्तों।